दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी नहीं चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी ही चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंदावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तक तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमज़ोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहां पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ चले स्टारिंग की ऑलरेडी तो बता चुका हूं प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जयकि्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बेंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविल शर्मा वन्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाजा शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जयकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बेन्दिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश् बागकी गुरु रंधावा बादशाह, शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभाष देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोनेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम

को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को के बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी नहीं चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी, सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्योरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहां पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश के बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी ही चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की, की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोनेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे

को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहां पर बीजेम में आप लोगों को, को, को घिब्राम देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यूवी क्रिएशन देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है 300 तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तक तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेजोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभाष देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोदेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज़ में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम

को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्ज इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की, की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जयकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बेन्दिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश् बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जैकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को के बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोनेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फ़ाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो हैं वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम

को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश के बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी ही चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंदिक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंदावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमज़ोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की, की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जयकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जैकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश् बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बेन्दिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश् बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्योरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो platforms but नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश के बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी ही चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉमेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोनेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमज़ोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभाष श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस, इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंदावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वाम सी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जैकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बेंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस, इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनल क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकी श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमज़ोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर इंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जकी श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुराली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट तो बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की कि मूवी बनाई गई मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की कि ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और चालीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहां पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहां पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जैकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारे की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को तानिश तानिश् बागची गुरु रंधावा बादशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बीजीएम में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफ़ी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दोस्तों अगर आप लोग भी साल 2019 में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी साहू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो जाननी चाहिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जस्ट लाइक कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंदिक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल दो में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी e मूवी साहू के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएँ तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इस मूवी में हमें एक्चुअली में देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी में आप लोगों को यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा थ्रिल देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ ड्रामा देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा जो कि लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कास्टिंग की कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा तो इसकी कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर प्रभास देखने को मिल जाएंगे श्रद्धा कपूर नील नितिन मुकेश उसी के साथ साथ अरुण विजय मंदिरा बेड़ी जैकि श्रॉफ चंकी पांडे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी के यहाँ पर डायरेक्टर कौन है क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सुजीत ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है लेकिन उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की जिस जिन्होंने डायरेक्शन को संभाला है उनकी कोई पुरानी मूवीज़ हैं या नहीं तो जी हाँ एक या दो आई थिंक उनकी मूवी हैं जिनमें रन राजा ग, रन और उसी के साथ साथ साहू जैसी मूवीज़ शामिल हैं उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम डोरेशन थोड़ी सी लेंथी बनाई गई है तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो मेरे हिसाब से तो डिसेंट सी टाइम डोरेशन है तकरीबन तकरीबन दो घंटे और 40 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो होनी ही चाहिए उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि ये अभी किस लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड इसे रिलीज़ किस लैंग्वेज में किया गया था तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान में बनाई जाने वाली मूवी है जिसे जब रिलीज़ किया गया तो इसे तेलुगु प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज़ कर दिया गया था एंड अभी फाइनली ये अवेलेबल है जी हिंदी लैंग्वेज में दो प्लेटफॉर्म्स पर नेटफ्लिक्स पर एंड एमेज़ोन प्राइम वीडियो पर ये दोनों पर ही अवेलेबल है आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी स्क्रिप्ट को स्टोरी लाइन को किसने संभाला है तो इस मूवी की स्टोरी लाइन को यहाँ पर लिखा है जी सुजीत ने ही उन्होंने ही यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को भी कंट्रोल किया एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्ट को भी उन्होंने ही लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वी वामसी कृष्ण रेड्डी और प्रमोद उपलब्धि जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले स्टारिंग की तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसकी स्टारिंग में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे प्रभास श्रद्धा कपूर चंकी पांडे जैकि श्रॉफ अरुण विजय नील नितिन मुकेश लाल मुरली शर्मा बैंदिरा बेड़ी महेश मंजरकर प्रकाश बलवाड़ी एविलन शर्मा वनल्य किशोर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स बहुत सारे आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो आर मधी इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को संभालने वाले हैं एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया सॉन्ग्स में आप लोगों को के बागची गुरु रंधावा बाशाह शंकर एहसान और लुई देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बी में आप लोगों को घिबरान देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो यू वी देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वाई और डबल ए फिल्म आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस काफ़ी अच्छा खासा कलेक्ट कर चुकी है तीन सौ तकरीबन इस मूवी का बजट था एंड इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्ट किया वो किया तकरीबन साढ़े चार सौ का जो कि काफी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है